इंडिया दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फोर्थ इन डिफेंस। और स्पेस टेक्नोलॉजी की भी बात करें तो हम चांद और मंगल पर घर बसाने की बात करते हैं, और इन सबके लिए टेक्नोलॉजी, पैसा और स्किल्स की भी हमारे देश में कोई कमी नहीं। एक तरफ जहां अडानी, अंबानी और टाटा जैसे बिजनेस ग्रुप्स हैं, वहीं दूसरी तरफ IIT और इसरो जैसी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस भी मौजूद हैं। और टैलेंट तो इतना कूट कूट कर भरा है कि दुनिया की तमाम बड़ी और फेमस कंपनीज हम इंडियंस ही चलाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों से एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप काफी सुर्खियों में है, जिसे हम सेमीकंडक्टर चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। पिछली शताब्दी में हमने अपनी GDP का एक बड़ा हिस्सा ऑयल खरीदने में बर्बाद किया है, और ऐसा लगता है कि अब ऑयल की जगह सेमीकंडक्टर चिप लेने वाला है, क्योंकि इंडिया में अभी तक इसके प्रोडक्शन की शुरुआत भी नहीं हुई। हम पूरी तरह से इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट हैं। अगर ये चिप इंडिया में बनने लगे तो 1 लाख रुपए तक के लैपटॉप की कीमत 40,000 रुपए हो सकती है। दरअसल सेमीकंडक्टर वो एक मटेरियल है जिसकी जरूरत हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाली गाड़ी, फ्रिज, AC, TV, वॉशिंग मशीन, मोबाइल और कंप्यूटर से लेकर हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिफेंस और यहाँ तक कि स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी कि हर एक मॉडर्न इक्विपमेंट में है। तो आखिर ये चिप है क्या, ये बनती कैसे है, और अगर दुनिया के और देश इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं तो फिर अपने देश में इसे बनाने में चैलेंज क्या है, हमारी गवर्नमेंट इसके प्रोडक्शन के लिए कितनी सीरियस है और क्या कदम उठा रही है, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी एक कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर और एल्युमिनियम एक अच्छे कंडक्टर हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो कर सकती है, इसीलिए हम अपने घर की वायरिंग में इसे यूज करते हैं। लेकिन प्लास्टिक, पेपर, ग्लास और रबर एक इंसुलेटर है जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकती। सेमीकंडक्टर उनके बीच का एक ऐसा मटेरियल है जो कंडक्टर से तो कम लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट अपने अंदर फ्लो करा सकती है। और दूसरी बात, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि डोपिंग की मदद से या फिर उसके टेम्परेचर को कम या अधिक करके उसमें फ्लो होने वाले करंट को कंट्रोल किया जा सकता है, यहाँ तक कि करंट के डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कंडक्टर और इंसुलेटर में यह पॉसिबल नहीं है। और 60s के दशक में जब इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन आया तो सेमीकंडक्टर्स के इसी प्रॉपर्टी को यूज करके सिलिकॉन से बने डायोड और ट्रांजिस्टर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में यूज होने लगे। शायद कुछ ज्यादा ही टेक्निकल हो गया, चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। याद करिए वो CRT टेलीविजन और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स को, जो साइज में काफी बड़े हुआ करते थे, एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम करते थे और उनकी एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी भी काफी कम थी। लेकिन आज स्मार्ट TV एक वॉलपेपर की तरह और कंप्यूटर एक स्लिम नोटबुक की तरह हो गया है, और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से। असल में एक बड़े साइज के कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का काम एक छोटा सा सेमीकंडक्टर चिप करने लगा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज 2nm टेक्नोलॉजी में एक नाखून के आकार के सिलिकॉन चिप में 50 बिलियन ट्रांजिस्टर्स को इंस्टॉल किया जा सकता है। और इस चिप का इस्तेमाल आज इस कदर बढ़ गया है कि कोई भी देश इसके बिना तरक्की ही नहीं कर सकता। दुनिया को इसकी अहमियत समझ में आई कोरोना पैंडेमिक के दौरान, जब वर्क फ्रॉम होम के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की डिमांड में तेज उछाल आया, जिसकी वजह से लैपटॉप, कंप्यूटर, ग्राफिक्स कार्ड और मोबाइल फोन्स के दाम आसमान छूने लगे। गाड़ियों की लंबी वेटिंग हो गई। कई कार मैन्युफैक्चरर्स को तो अपनी फैक्ट्री तक बंद करनी पड़ी, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसको पूरा कर पाना ही मुश्किल हो गया था। आज 2 साल बाद भी इसकी सप्लाई में कुछ खास सुधार नहीं आ पाया है, और इसकी मेन वजह है कि दुनिया के कुछ गिने चुने देश ही इस चिप को बनाने में सक्षम है। हालांकि इस चिप को अकेले किसी एक देश के द्वारा भी बना पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। एक चिप को बनाने में 3 स्टेप्स होते हैं, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग। अमेरिका दुनिया का इकलौता देश है जिसकी इंटेल, एनवीडिया और AMD जैसी कंपनीज लगभग सभी एडवांस चिप्स को डिजाइन करती हैं। लेकिन इसका प्रोडक्शन अमेरिका में नहीं बल्कि कहीं और होता है। अकेले ताइवान दुनिया की 50% चिप प्रोड्यूस करता है। साउथ कोरिया दूसरे पोजीशन पर है, और उसके बाद जापान और चाइना का नंबर आता है। और फिर फाइनल स्टेप है असेंबलिंग का, यानी कि इन चिप्स को डिवाइस के अंदर लगाने का, जिसमें चाइना दुनिया में सबसे आगे है क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज हैं। लेकिन वास्तव में पैसा असेंबलिंग में नहीं है, मोटा पैसा डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में है। आपको पता है कि यह चिप मार्केट कितना बड़ा है? साल 2022 में सेमीकंडक्टर चिप का मार्केट $570 बिलियन का था, और 2030 तक इसके $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। यानी कि इसमें अभी भी ग्रोथ के लिए जबरदस्त पोटेंशियल है, और इसीलिए सभी देश इस मौके को भुनाना चाह रहे हैं। साल 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर चिप के प्रोडक्शन को लेकर काफी एम्बिशियस थी, जिसके लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की भी शुरुआत की गई, और चिप फैब्रिकेशन के लिए कई तरह की छूट और PLI स्कीम भी अनाउंस हुआ, ताकि बाहर की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट हों।
उम्मीद था कि 2024 तक दर्जनों चिप फैक्ट्रीज इंडिया में होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर ये चिप इतना ही जरूरी है तो हम खुद ही इसका प्रोडक्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं? चलिए एक एक करके मेन रीजंस को जान लेते हैं। इसका सबसे पहला रीजन है कि यह बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव बिजनेस है। सेमीकंडक्टर का एक प्लांट लगाने में 15 से 20 बिलियन डॉलर्स का खर्च आता है, और एक बार इन्वेस्टमेंट के बाद ही बात खत्म नहीं हो जाती, बल्कि चिप फैब्रिकेशन में टेक्नोलॉजी फ्रीक्वेंटली बदलती रहती है, जिस वजह से कंपनीज को अपना सेटअप लगातार अपडेट करते रहना पड़ता है। TSMC, इंटेल और सैमसंग जैसी कंपनीज तो अपने प्लांट में R&D, प्रोसेस इंप्रूवमेंट और नई फैब्रिकेशन मशीनरी पर ही हर साल 20 से 25 बिलियन डॉलर्स खर्च करती हैं, और भारत में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो एक नए बिजनेस में एकदम से इतना सारा पैसा खर्च कर दे। और दोस्तों, चिप प्रोडक्शन नहीं कर पाने का दूसरा रीजन है लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर। इंडिया दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ मैन पावर की कोई कमी नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि एक छोटे से चिप में अरबों ट्रांजिस्टर्स को इंस्टॉल किया जाता है, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसलिए यह जरूरी है कि प्लांट का हर एक वर्कर हाईली स्किल्ड हो और नई टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझता भी हो, नहीं तो एक छोटी सी गलती अरबों का नुकसान करा सकती है। और इस तरह के स्किल्ड मैन पावर की आज इंडिया में काफी कमी है। अगला रीजन है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, किसी भी सेमीकंडक्टर चिप फैब्रिकेशन फैसिलिटी को बनाने की कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को काम करने के लिए सिलिका के अलावा इलेक्ट्रिसिटी और प्योर वाटर की 24/7 अनइंटरप्टेड सप्लाई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन प्लांट्स में थोड़े वक्त के लिए भी बिजली या पानी की सप्लाई अगर बंद हो जाती है तो उसकी वजह से कंपनी का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है। और हमारे देश में प्योर वाटर और बिजली की क्या हालत है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। इसलिए बाहर की कंपनीज इंडिया में प्लांट लगाने को अवॉइड करती हैं। और दोस्तों, इन सभी के अलावा एक रीजन ऐसा है जिसे सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया हमारे टैलेंट का लोहा मानती है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स के टॉप पर इंडियंस बैठे हुए हैं, लेकिन बात जब इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर और चिप डिजाइनिंग की आती है तो हम ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका और चाइना जैसे देशों से अभी काफी पीछे हैं। कोविड के दौरान पूरी दुनिया में वर्क फ्रॉम होम की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज लाइक मोबाइल, टीवी और लैपटॉप्स की डिमांड में जबरदस्त उछाल आ गया। चिप मेकर कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर बनाए और अपने फुल कैपेसिटी पर प्रोडक्शन करते रहे, लेकिन डिमांड और सप्लाई के बीच लगातार गैप बना रहा। तब दुनिया के बाकी देशों ने ये रियलाइज किया कि सेमीकंडक्टर चिप के लिए वो ताइवान और साउथ कोरिया पर हद से ज्यादा डिपेंडेंट हैं, और अगर चाइना ने ताइवान पर इन्वेड कर दिया तो चिप मार्केट कोलैप्स हो जाएगा और वर्ल्ड इकोनॉमी पर इसका बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। इसलिए पूरी दुनिया चिप इंडस्ट्री को डिसेंट्रलाइज करने के लिए अल्टरनेटिव्स की तलाश करने लगी, और आज की डेट में इंडिया सबके लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है। अमेरिका भी एंटी चाइना कंट्रीज को ही प्रमोट कर रही है, और इंडिया में चिप के सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए एक MOU भी साइन किया गया है। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर चिप मेकर कंपनीज टेक्नोलॉजी में हमें सपोर्ट करें तो हम स्किल्ड मैन पावर और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट साल 2021 में जो 10 बिलियन डॉलर्स का एक इंसेंटिव प्रोग्राम लेकर आई थी, उसका कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। हालांकि ताइवान की फॉक्सकॉन और वेदांता ग्रुप के बीच गुजरात में एक प्लांट स्टार्ट करने के लिए बहुत ही बड़ी डील साइन हुई थी, जिसकी वैल्यू लगभग 19.5 बिलियन डॉलर्स थी, लेकिन आज फॉक्सकॉन इस डील से एग्जिट हो चुका है। इसलिए गुजरात में हुए सेमिकॉन 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए 50% तक फाइनेंशियल असिस्टेंट देने का ऐलान किया है। लेकिन दोस्तों, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज चाइना है। बीजिंग भी इस चिप मार्केट को डोमिनेट करना चाहता है, वो हमसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, और हमारे 27 बिलियन डॉलर्स की तुलना में उनका चिप मार्केट लगभग 7 गुना ज्यादा 192 बिलियन डॉलर्स है, और हमारे 10 बिलियन डॉलर्स के इंसेंटिव पैकेज की तुलना में उसने 143 बिलियन डॉलर्स के पैकेज की घोषणा की है। हालांकि ताइवान की फॉक्सकॉन और वेदांता ने डील टूटने के बाद भी किसी दूसरे पार्टनर के साथ इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉमिस किया है। साथ ही अमेरिका की AMD और माइक्रॉन टेक्नोलॉजी जैसी बड़ी कंपनीज भी इंडिया में मिलियन डॉलर्स का निवेश करने जा रही हैं। तो दोस्तों, ये थी सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई पूरी कहानी। उम्मीद है कि यह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।